Hi Mumbai, Sat Jeeturaaj on 98.3. Mirchi sunne wale, always hush. Money Talk with Jeeturaaj. 98.3 Mirchi par Mehrab Irani Mumbai. I keep mentioning him left, right and center. A very powerful author, a very powerful force to reckon with on Dalal Street, stocks, and also the general manager with Tata Investments. Hi Mehrab, kem chho? Hi Jeeturaaj, fine chho, tame kem chho? Dhamal chhe. But Mehrab, sari dunia mein budget ki baat ho rahi hai, and of course, aap aaj, yani after I speak with you, agle I think 4-5 dino ke liye aapki saanse har koi khinchega to get a pie of Mehrab's thought. But let me begin with it. Mehrab, interim budget, ek commoner ko, ek aam bhartiyo ko इंटरिम बजट से क्या फर्क पड़ता है मेरा बयान? एक्चुअली इंटरिम बजट क्या होता है, देखो एवरी ईयर जो बजट होता है वो नॉर्मल फाइनेंस बिल होता है। गवर्नमेंट को कुछ भी खर्चा करने के लिए या कुछ भी प्रपोजल, टैक्स प्रपोजल्स लाने के लिए एक बजट पास करना पड़ता है, विच इज फाइनेंस बिल, जो पार्लियामेंट में काफी क्वेश्चन होते हैं, ऑलमोस्ट 1-2 महीने बाद पास होता है। लेकिन इस साल क्योंकि इलेक्शन है तो इतना टाइम नहीं है पार्लियामेंट के पास डिस्कशन करने के लिए, तो क्योंकि गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर करने का रहता है तो अप्रोप्रिएशन बिल करके रहता है, जिसको वोट ऑन अकाउंट बोलते हैं, तो वो विदाउट डिस्कशन पास हो जाता है। गवर्नमेंट ये भी कर सकता है कि इंटरिम बजट प्रेजेंट कर सकता है, बट उसमें है कि वो पास नहीं होगा, जब नया गवर्नमेंट आएगा वो डिसाइड करेगा वेदर उसको ये पास जैसा है वैसे करने का है या कुछ चेंजेस लाने का है। नो सॉरी सर, लेट मी इंटरप्ट। मैं मेहरा बिरानी, फाइनेंस एक्सपर्ट विद जीतूराज, यू आर सेइंग कि 11 बजे पता चलेगा कि ये बजट पास होगा या नहीं, इंटरिम बजट अगर है तो, या इट विल बी बजट ऑन अकाउंट, व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी? 11 बजे ये पता चलेगा ये वोट ऑन अकाउंट है कि इंटरिम बजट है, बट जिस तरीके से न्यूज आ रहा है लग रहा है कि ये इंटरिम बजट होगा, मतलब थोड़ा टैक्स प्रपोजल भी आ सकता है। नहीं नहीं, लेट मी अगेन आस्क यू, तो अगर वोट ऑन अकाउंट हुआ तो ये बजट नहीं माना जाएगा? या वोट ऑन अकाउंट है तो उसका मतलब यही होता है कि खाली वो एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट को 2-3 महीना जो गवर्नमेंट का टर्म बाकी है तो उसके लिए जो खर्चा करने के लिए जो गवर्नमेंट को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा ड्रॉ करना चाहता है उसका खाली अथॉरिटी पार्लियामेंट देगा, खाली खर्चा करने के लिए 2-3 महीने के लिए। आने वाले जनरल इलेक्शन से पहले जो सरकार पावर में है उसका खर्चा पानी चलाने के लिए जो खर्चा है वो होगा वोट ऑन अकाउंट, वो उसको वोट ऑन अकाउंट बोलते हैं। और इंटरिम बजट हुआ तो उसमें बजट प्रपोजल जैसे इनकम टैक्स के है, जीएसटी, यानी तेरे मेरे जीवन पर जिसका असर हो सकता है, करेक्ट, उसका प्रपोजल भी आ सकता है अगर इंटरिम बजट है, लेकिन वो पास अब नहीं होगा, वो पास नया गवर्नमेंट ही करेगा। इवन इफ इट्स अ इंटरिम बजट, ये पास तो जनरल इलेक्शन के बाद ही होगा। यस, अभी प्रपोजल आएगा जैसे गवर्नमेंट बोल सकता है इनकम टैक्स पे इतना स्लैब। So interim budget will also be a proposal only. Hashtag Mera Wala Budget. Tweet me, what do you think? Hashtag Mera Wala Budget at Mirchi Jeeturaaj on Twitter. Interim Mantri Mirchi Sunne Wale always khush Jeeturaaj ke saath Mehrab Irani. Budget ke baare mein baat karte hue, I just realized ke it's not going to be an interim budget. It might be vote and account and Tata Investments ke saath jo